नमस्कार, विराट के बघेले बुलेटिन में स्वागत है। हम आहन पूजा। अंधविश्वास एक ऐसा झांसा हवे कि जौन मा एमा एक बार आएगा वो जाल में फंसते चला जाते है। एक ऐसा एक खबर आवा थी चोराटा थाना के ग्राम बहुरी बाद से, जहां चिराग अली से झाड़ फूक के नाम पर मऊगंज के शरीफ परवेज अंसारी 50,000 रुपया ठग ली है। पीड़ित बताएं कि उनकर परिवार में ही उनकर माँ और भाई विराम रहत रहे, जौन के बाबा से बात करी। पीड़ित बताएं कि उनकर परिवार में ही माँ और भाई विराम रहत रहे। वो जब बाबा से यह बात बताएं तब जानी बाबा उर्फ शरीफ परवेज अंसारी कहें के सलगी परेशानी उहर ले ही, एके बदले में ही 50,000 रुपया मांगे। पीड़ित बाबा का ही 2 किस्त में 35,000 रुपया नगद और 15,000 रुपया फोन पे के माध्यम से भेज दे, लेकिन बाबा इलाज नहीं करे। अब जब बाबा का पीड़ित फोन लगाए रहे हम तो बाबा गाली दे था और साथ में जान से मारे के धमकी देला हम। एसपी ऑफिस आवेदन देने के मामले में आए थे। हमारे घर में परेशानी होने के कारण हम मऊगंज दरगाह गए हुए थे, तो वहाँ पास एक जानी बाबा नाम का व्यक्ति से मुलाकात हुई, जिसने बोला कि हम पूरा तुम्हारे घर की परेशानी को दूर कर सकते हैं लेकिन कुछ पैसा लगेगा। तो हमने उसको पैसा दिया और वो काम भी नहीं किया। 35,000 रुपये हार्ड कैश दिए हैं और 15,000 रुपये फ़ोन पे किए थे, क्योंकि पैसा लेने के बाद वो कोई मतलब काम भी नहीं किया और फ़ोन लगा के बेशब्दों से बात करता है, फ़ोन भी नहीं रिसीव करता है और मतलब बोलता है मऊगंज तरफ आओगे तो जान से मारने की धमकी देगा। क्या नाम है, कहाँ के हैं? हमारा नाम चिराग अली है और हम बहुरी बांध के हैं। आपने किन मामलों को लेकर परेशानी किया? हमारे घर में परेशानी होने के कारण थे, है ना, मम्मी लोगों की तबीयत, भाई की तबीयत खराब हो जाती थी, तो वो बोला कि घर में भूत प्रेतों को मतलब परेशानी है, इस कारण से हमने उसे है ना पैसा दिया था। पुलिस में भी आपने शिकायत दर्ज कराई है? पुलिस में एसपी ऑफिस में आवेदन दिया था, चूँकि मान लीजिए 3 महीना पहले, तो उसमें भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। थाने में आए थे रवि सिंह करके चुराटा थाना के, उन्होंने रिपोर्ट लिख के ले गए थे लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। यह मामला पटना के बैकुंठपुर के हवे, जहां मारपीट के शिकायत के बाद नागेश्वर प्रसाद मिश्रा के शिकायत के पुलिस कौनो कार्रवाई नहीं करी। नागेश्वर प्रसाद मिश्रा। आप किसने मारपीट किया आपके साथ? हमारे भतीजे ने किया। क्या नाम भतीजे का? मुन्नू उर्फ नयन प्रकाश मिश्रा। मारपीट किया? जमीन संबंधी विवाद के लिए। शिकायत थाने में की? थाने में शिकायत करने गए तो टीआई साहब बोले कि गवाही चाहिए, गवाही हमारे आंगन की घटना है, आंगन के बीच में कौन होता है गांव वाला, जिसका नाम मैं लिखवा दूं। मैं एसपी ऑफिस आया हूं रिपोर्टें डालने के लिए। काहे से मारपीट किया? पहले तो ईंटा का वार किया, उसके बाद टांगी उठा के मारा। दुखी होई के पुलिस अधीक्षक कार्यालय रीवा में आए, लेकिन वहाँ आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हो के पर्याप्त आश्वासन न मिले के कारण दुखी होई के सिरमौर चौराहा पहुंच गए, जहाँ जाए के वो आत्महत्या के प्रयास करे। वहाँ जब पुलिस का घटना के पता चला तो आनंद फानंद में पुलिस वहाँ पहुँच के दुखी पीड़ित का अस्पताल में पहुँचाए। अपना का बताए कि पीड़ित के भतीजा नयन प्रकाश मिश्रा उनके साथ मारपीट करा था। जाना पुलिस समय पर पहुँच गए तो उनका जान बच गए। अपना सुनी पीड़ित के दुख। कितने लोगों ने मिलकर मारा था? एक मामला पंजीबद्ध हुआ है जी साहब, ऐसी बात नहीं है। पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही आपके मामले में? पहुँच पकड़ है बड़े भाई की। क्या घटना हो गया? क्या घटना क्या हुई थी? क्या घटना क्या हुई थी आपके साथ? क्या घटना हुई है? क्या हुई थी घटना? हमारे साथ मार भतीजे ने जमीन संबंधी विवाद, क्या सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या नाम है आपका? कार्रवाई नहीं कर रही है अभी। पुलिस बताए कि मैं क्या कार्रवाई कर रहा हूँ, ये पुलिस बताए। अब घटना हुई आपके साथ। देखिए रीवा के तमाम खबर अब बघेली में। नमस्कार।